ऐसे एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज वैसे आपने हमने देख लिया होगा तो मैं जाने वाला हूँ माता वैष्णो देवी के पास। इस वक्त हमने ट्रेन पकड़ ली है, जम्मू के लिए। जम्मू, हाँ वहाँ पे जम्मू में ही है वैष्णो देवी माता। तो जम्मू तवी की ट्रेन हमने पकड़ ली है, जम्मू तवी से जाएंगे कटरा। तो फिलहाल हम ट्रेन में आ चुके हैं और ये होने वाली है एक फैमिली ट्रिप, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस पूरी ट्रेन का डिब्बा पड़ा है खाली और बच्चे यहाँ पर मज़े कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमारी फैमिली वाले ही है पूरी ट्रेन में। और ये देखो अभी अभी मैंने इनको बिस्किट का पैकेट ला के दिया और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। बताओ क्या ज़माना आ गया है। और ये देखो यहाँ पर दोनों बच्चों ने ऊपर वाली सीट पर अपना कब्जा कर लिया है और यहाँ पर गुनगुन मेरी नकल करते हुए अपनी आँखें दाएँ बाएँ करते हुए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद। 18 घंटे का सफ़र था लेकिन 3 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी, तो इस वजह से हम 10:30 बजे यहां पर पहुंचे हैं जम्मू तवी पर। अभी हम यहां पर वेट कर रहे हैं, अब हम यहां से कटरा के लिए बस लेंगे। और रात भर बहुत ठंड थी और अभी हम धूप में बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बोलने से पहले ऐसे तो गाइस जम्मू तभी पहुंचते ही आपकी सारी जो सिम वगैरह है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ओनली पोस्टपेड सिम चलती है। तो हमने तो सबसे पहले यहाँ पे आके सिम ली और सिम मिलती है यहाँ पे 50 रुपये में, 250 रुपये का उसका रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर सिम का यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके पास पोस्ट पेड सिम है तो वो यहाँ पर चल सकती है। अब गाइस चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बाकी जर्नी में आपको दिखाता हूँ। तो गाइस स्टेशन पहुँचने के बाद चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते हुए सब, और ये बोल रही है मेरे को भी लो वीडियो में। अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है और थकान इतनी हो चुकी है कि बस। 18 घंटे का सफ़र था तो ट्रेन जो है 3 घंटे लेट थी, तो इस वजह से हम यहाँ पर पहुँचे 10 बजे, वैसे पहुँचते 7 बजे। मेरा दुख सुनाने दे, इसका भी दुख सुन लो। चाय नहीं मिल रही, हम इतना टाइम से इतना लंबा मतलब टाइम हो गया ट्रेवल कर रहे हैं, 12-13-14 कितने घंटे हो गए हमको पानी वाली चाय। 21-22 घंटे हो चुके हैं अभी। वही 1 घंटे की चाय है, ये भी ऐसी पानी वाली है, एकदम एकदम मजा आ गया इस चाय को पी के, मजा खराब मतलब एक को मजा आ रहा है और एक को पानी वाली लग रही चाय। और ये आ गया एक छोटू उस्ताद हमारा, कहाँ गया, इधर आ इधर आ छोटू उस्ताद, कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं बोलना चाहेंगे। पुच्चू कहाँ है? पुच्चू, पुच्चू कहाँ है? ब्रेक पे बिठा दो इसको। तो गाइस देखो रेलवे स्टेशन से ही माता वैष्णो देवी का ऊपर जो नज़ारा है वो यहाँ पर दिख रहा है और आई थिंक जो वाइट वाइट है वो अर्धकुंवारी है। तो गाइस काफ़ी मशक्कत करने के बाद में हमने यहाँ पर कटरा में रूम ले लिया है और हमने लिया 3,500 रुपये में। 3 रूम लिए, एक रूम तो इस टाइप का जिसमें सिंगल ये डबल बेड लगा हुआ है और एक रूम है जिसमें कि ट्रिपल बेड लगे हुए हैं। तो इस तरह का जो रूम है ऐसे दो है और एक रूम है जिसमें ट्रिपल बेड लगे हुए हैं, मतलब डबल डबल बेड 3 लगे हुए हैं उसमें। तो ये सारे लिए हैं हमने एक दिन के लिए 3,500 में। और अब यहाँ से हम नहा धो के फ्रेश वगैरह होकर माता जी की चढ़ाई के लिए हम निकलेंगे। तो वैसे अब बस तैयार होते हैं नहा धो के और फिर निकलते हैं, चढ़ाई करते हैं। AC चालू करके देख चल रहा है क्या AC? इसके तो पर कच्चे उड़ रहे हैं, इसके तो भग जा भग जा, बटन दबाती भग जाइयो। खराब हो रहा भाई ये तो AC के पर कच्चे उड़ रहे हैं। ये तो पूरा उड़ावा है इसका, दूर हट जा उसको बंद करके। तो बस ये हमारा थोड़ा बहुत नाश्ता, गिलास के अंदर नमकीन और ये थोड़ी बहुत वेफर्स ले, खा ले।
प्रिंस खा ले ये रेफर्स नमकीन रहने दो उसको, अभी वो फट जाएगा एकदम से। चलो उस कमरे में देखते हैं। हाँ जी, ये तो सही लग रहा है। दीदी तो देखे लाइट ही नहीं चल रही इसकी। लाइट ही नहीं आ रही, वो जला के देखता हूँ उधर से, इसकी लाइट ही नहीं लग रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है बाहर से देख, बाहर से स्विच होगा इसका। हे ओ, ये क्या, हाँ हो गई ना, करो। दिया। चल तो रहा नहीं। क्या यार? नहीं चल रहा यार, इन्होंने बंद कर रखा है। और यहाँ के टीवी भी खराब पड़े, सिर्फ टीवी सिर्फ नाम के है, इसमें रिचार्ज नहीं है, खाली आप इसको चला सकते हो, आपको ये देखने को मिलेगा बस, नो सिग्नल। एक चीज मिल गया मेरे को तो। क्या यहाँ पर पड़े हुए बहुत सारे खाने का सामान, देखो दो दो स्प्राइट। ये तो कोई रख के गया दिखता है, ये निकाल। अरे ये मेरे को लगता है हनीदासु नहीं रख के गए दिखते अभी, है ना? क्या मालूम, मेरे को लग रहा है वो इधर छुपा के गए होंगे बेटे। हनीदासु इधर इधर बहुत सारे चॉकलेट, दो तो कोल्ड ड्रिंक है और तीन चॉकलेट पड़ी है। ये वाली कौन सी है? ये तो वो है सेंटर फ्रेश। वीडियो बारे में ना गोली किसी और चीज की तो नहीं है, देख कर खाना इस गोली को, पता नहीं किसकी गोली। सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रेश से वो हेड नहीं देखा क्या आपने? सही है। ये देखो खजाना, ये कौन सा खजाना है? सलाद का खजाना, ककड़ी टमाटर, कानू ककड़ी टमाटर लेके आया है, देसी कांदा, अच्छा प्याज भी है इसमें, प्याज भी है, वो देसी मुक्का मार की का चले गए, बुला रहे क्या वो? अरे वो नीचे कमरे में, वो तो सब तुम हार मत कुछ दो ही नहीं, अभी अपन को 20 मिनट और लगेंगे वहां। हां तो अपन आराम से बैठते हैं, जब तक कुछ करना नहीं है, वो कर वो दोबारा। ये किससे लग गए दे रहे? अरे ब्लेड निकल गई थी परसों, मैं तो कैंसर हो गया चला फिर मैं, अरे कुछ नहीं है तो छोड़ लेंगे। आज सुबह कैसे खून निकल रहे थे तो? अरे मैं आ रहा है, क्या लगी थी नखून में, लग गई क्या नखून में, लग गई दिखती है। अरे ऐसे मत निकाल, ये ऊपर ही ऊपर आ जाओ। तो गाइस ये आ गई है बच्चों की टोली आ गई है, आप डांस करके दिखाओ, सब डांस करके दिखाओ डांस। पीयू डांस करके दिखाओ, आपकी वीडियो बन रही है, करके दिखाओ जल्दी। नहीं अरे वो गिरता की नमकीन क्या है, अरे वो भाई खाना खाने की आ गई है भाई, बहुत आप बोलो जोर से। पेट में चूहे पूरे तीन बच चुकी है, आज मैं घड़ी नहीं बिल भी टाइम दे रहा हूँ भाई, सबके पेट में चूहे कूद रहे और सब टूट पड़े खाने पर। मेरे को छोटू को एक ही छोटू, आ जाओ इधर आ जाओ, अपनी भी आ गई है सब्जी, सब्जी नहीं आई है रोटी आई है, मटर पनीर। तो गाइस हमने यहाँ पे पर्ची वगैरह कटवा लिए सबको, ये मिल गया है मेडल, पर्ची काउंटर से यहाँ पे हमने सबने कटवा लिए, सब रेडी हो चुके हैं, एकदम ऊपर चलेंगे तो। और हम बोलो जोर से, बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो अब यात्रा स्टार्ट करते हैं हम, पूरी जर्नी, आप जर्नी जो है बहुत मज़ेदार होने वाली है, पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊँगा, तो ब्लॉग में एंड तक में बने रहना। गाइस देख लो ये है माता वैष्णो देवी की चढ़ाई, और हमने स्टार्ट किया है नाइट में, हालांकि हम लेट हो गए थे तो इस वजह से
अभी बज रही है 9:30, तो 9:30 बजे हम चढ़ाई कर रहे हैं। वैसे हमारा प्लान जल्दी का था, तो देख लो इतनी चढ़ाई करनी है हमें। बाकी काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। चप्पू से रखना पड़ेगा वहाँ, तो लाओ दे दो, इस एक ही बैग में रख देता हूँ सारे। क्या तू है खच्चर, खच्चर बोलते रहो। ले तेरे को ले रहा हूँ, आ रही जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। गई आवाज। पूरी नमकीन सब में बटेगा, पूरी नमकीन की थैली खाली कर दी और अब एक मुट्ठी में से सबको बांट रहा ही है। इसका नाम है प्रिंस नरूला। ये देखो केक कितना सा बटा है सब में। धीरज भाई, ये घोड़े खच्चर सवारी करते हैं यहाँ पे, ये आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे गाइस। अगर आपको बीच में थकान हो रही है तो इन खच्चर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। और स्टार्टिंग में इसकी रेट है 1250 रुपये, तो स्टार्टिंग में लोगे तो आप 1250 रुपये में पड़ेगा आपको। बाकी आगे चल के कुछ कह नहीं सकता, आगे चल के देखते हैं अभी कितने चार्जेस रहते हैं आगे। बाकी इस टाइप की पालकी वगैरह है वो तो और भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। देखो खाना पीना खाने के बाद में हम वापस से निकल चुके हैं और ये जुगाड़ लगा लिया हमने, जुगाड़ लगा लिया दो डंडियों के बीच में रख लिया है बैगों को और एक्सचेंज करते हुए चल रहे बैग। हाँ भाई कुछ कहना चाहोगे आप लोग? हाँ भाई बहुत थक गए हम तो। थक गए खाली खाली चलते चलते ही थक गए। बच्चे उठा रहे, कहाँ है बच्चे? बच्चे तो बेचारे पैदल चल रहे हैं। पटरी नहीं क्या दिखा? अरे नहीं पट, नहीं एक काम करो इधर डाल दे, इधर इधर डाल दे, इधर ये देखो बच्चों वाली टोपियों से काम चला रहे हैं हम। ऑरेंज टोपी ले, जिसकी रेट है ना आसमान को छू रही है, इसकी रेट आसमान को छू चुकी है। कितने रुपए की है? 10 रुपए की नौ टोफिया है ये, 10 रुपए की नौ। चलो इसकी इसकी टूट गई, इसमें से ले लो सब। कैमरे में डाल दें टॉफियों को। हाँ पकड़ लिया है हमने, बहुत जय माता दी, जोर से बोलो। अरे यार बोला ही नहीं कोई यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। ये थक गए मम्मा। क्या कर रहा है ताशु? नहीं देख सकता। ले ले ये आ गई मम्मी, आ गई मम्मी, आ गई आ गई आ गई। क्यों बेटा? हाँ पापा जी। हाँ चलो। तो गाइस पापा जी भी पूरा पैदल चल के ऊपर अर्धकुंवारी तक आए हैं और रास्ते में बारिश हो गई थी तो इस वजह से हमने रेनकोट लिया है। वैसे तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी बारिश से बचने की, क्योंकि सभी जगह पर छज्जे टाइप लगे हुए हैं
पूरे रास्ते में। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अर्ध कुंवारी और हालत ख़राब हो गई, सबकी हालत टाइट हो चुकी है यहाँ पर। और हमने तो जबकि सामान भी उठाया हुआ है ये, बाकी सबकी तो हालत ख़राब हो गई बिना सामान उठाए। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। कुछ तो है कहाँ हाँ भाई क्या ले रहे हो मैकडी से? तो गाइस देखो ये है यहाँ का नज़ारा, नाइट में मैंने आपको दिखाया था जब पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा था। बाकी अभी देख लो सुबह तो काफ़ी ज़्यादा नज़ारा काफ़ी प्यारा लग रहा है ऊपर, और पहाड़ भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो गाइस चलते हैं ऊपर, सुबह हो चुकी है, हम पहुँचे थे यहाँ पर सुबह 6 बजे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे तो चलने में काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो उसके बाद में हमने थोड़ा रेस्ट किया और नाश्ता वगैरह किया, अब हम चलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। तो गाइस देखो आगे चलने का नतीजा, इनको रास्ता पता नहीं है और आगे जाते जा रहे गलत रास्ते पे चले गए, अब वापस रिटर्न जाना पड़ रहा है।